किसानों के हट के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। इस ऐलान के लिए दिन चुना गया प्रकाश पर्व का। पीएम ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम 18 मिनट के संबोधन में ये बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नेक नियत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा था। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम संदेश में साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार ने तीनों कानूनों को वापस लिया। छिंदवाड़ा से कांग्रेस पार्टी के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष चंद चोरिया और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देश के मेहनतकश किसानों की जीत है और इस देश में किसानों ने और किसान का जो जन आंदोलन हुआ, इसने ये तय कर दिया कि कोई भी तानाशाह या कोई भी तानाशाही सरकार किसान मजदूर गरीब से बढ़कर नहीं है। जन आंदोलन के माध्यम से मैं उन जन संगठनों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने लगातार एक साल तक शांतिप्रिय आंदोलन चलाकर मोदी सरकार की तानाशाही रवैया को इस देश के सामने बताने का काम किया कि आपकी तानाशाही चलेगी नहीं, और सरकार झुकी और तीनों काले कानून को वापस लेने का निर्णय देश के प्रधानमंत्री ने किया है। मैं किसान संगठन को और जो किसान वहाँ पर बैठे हैं, जो शहीद किसान हैं, उनको मैं नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और आने वाले समय में भी किसान की जीत होगी। ये जो देश है ये मेहनतकश किसानों से मजदूरों के माध्यम से चलता है। इस देश में कोई भी तानाशाह बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता, ये इस आंदोलन ने बता दिया है। ये किसानों की बड़ी जीत है। जय जवान जय किसान। आपका क्या नाम है पूरा? मैं श्रीचंद चौरिया, जिलाध्यक्ष किसान कांग्रेस, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। जी ये बताइए, सरकार ने तीन बिल वापस लिए, उसके संबंध में पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन देखे रखा था पिछले एक साल से, लेकिन किसान संगठनों की जीत थी कि हम तब हटेंगे, तब बिल वापस लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी थी वो जांच कर रही थी और कि इसमें क्या संशोधन किया जाए, तो बिल लागू वैसे भी नहीं हुए थे, लेकिन किसान संगठन की जीत पर सरकार ने निर्णय लिया है कि अभी इसको स्थगित रखा जाए, इसको वापस। ये सरकार ने इतना लेट क्यों करी? लगभग एक साल से आंदोलन स्टार्ट है, इतनी हत्याएं, इतनी मौतें हो चुकी है, उस वक्त क्यों बिल वापस लिया जा रहा है आज? जो समान किसान है वो इस बिल के पक्ष में थे, लेकिन किसान के जो लोग हठधर्मिता कर रहे थे, कमी विचारधारा थी, उसके कारण स्थिति बन गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्थिति करके रखा था, इन्होंने हाईवे जाम करके रखा और ऐसी स्थिति निर्मित की कि गुमराह करने का प्रयास किया किसानों को। तो सम्माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह निर्णय किया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो लगा रखी है इसको वापस। चुनाव तो नहीं है कहीं आगामी समय में, इसको लेके ये बिल वापस लिया गया? अगर चुनाव को दृष्टिगत रखते हैं तो बीच में कई बाय इलेक्शन हुए तब भी कर सकते थे, लेकिन सम्माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ये चाहते हैं कि अमन चैन कायम रहे और पूरे देश में शांति का वातावरण बने, लोग सबका साथ सबका विश्वास लेकर काम करें, इसके तहत किसानों संगठन के कारण इसको वापस लेना पड़ा है। हम सबका सम्मान करते हैं और ये कृषि प्रधान देश और सभी जो खेती से जुड़े लोग हैं उनका भारतीय जनता पार्टी सरकार संगठन किसान संघ का इज्जत करते हैं उनके बाद। छिंदवाड़ा से बीसीएन न्यूज़ के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।